नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G71 5G वर्सेस लावा अग्नि 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G71 5G में 6.34 इंच जबकि अग्नि 5G में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G71 5G में 2.91 इंच जबकि अग्नि 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G71 5G में 0.33 इंच जबकि अग्नि 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि G71 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G71 5G में 179 ग्राम्स जबकि अग्नि 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि G71 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G71 5G में AMOLED जबकि अग्नि 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G71 5G में 6.4 इंचेस जबकि अग्नि 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G71 5G में 1080x2400 और अग्नि 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G71 5G में 83.18% जबकि अग्नि 5G में 84.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G71 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि अग्नि 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G71 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और अग्नि 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G71 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और अग्नि 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G71 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और अग्नि 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G71 5G में Adreno 619 जबकि अग्नि 5G में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और अग्नि 5G में MediaTek Dimensity 810 MD6833 मिलता है। बात करें RAM की तो G71 5G में 6GB जबकि अग्नि 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G71 5G में नहीं है जबकि अग्नि 5G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G71 5G में 2 कलर्स जबकि अग्नि 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
5G 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें अग्नि 5G की तो वो 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो G71 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें लावर अग्नि 5G की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में अग्नि 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Vivo V20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।